राम मंदिर निर्माण पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साथी छुट्टी। सुबह के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज एक दिवसीय दौरे पर मथुरा आए हुए। मथुरा पहुंचने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोशीला स्वागत किया। वहीं मीडिया ने राम मंदिर को लेकर उनसे सवाल किया तो उन्होंने छुट्टी साधते हुए कहा कि देखेंगे, धीरे से कहा देखेंगे। सोमवार की शाम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मथुरा पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका बुके देकर स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज मथुरा के दौरे पर आया हूं क्योंकि मथुरा भगवान की भूमि है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भगवान मानता हूं। मीडिया ने जब राम मंदिर के निर्माण को लेकर उनसे सवाल किया तो वो राम मंदिर पर चुप्पी साध गए और धीरे से कहा देखेंगे, मोदी रोको प्रतियोगिता में लगे हैं, विकास के पथ पर मथुरा आगे बढ़े, यही हमारी और सरकार की मंशा है। 2019 के चुनाव को लेकर मायावती क्या कह रही है, राहुल क्या कह रहे हैं और अखिलेश क्या कह रहे हैं, हमारा इस पर ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है 73+ सीटों पर भाजपा का परचम लहरा, उसके लिए हम तैयार हैं। मिलकर लड़ेंगे तभी जीतेंगे और अलग अलग लड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जी जान लगा देगी। और वहीं 2019 में प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे, वही जो पक्ष मोदी रोको प्रतियोगिता में लगे हैं हताहत होंगे और निराश होंगे। सबसे पहला तो मथुरा अगर आए हैं, भगवान के दर्शन तो महत्वपूर्ण है और कार्यकर्ताओं को भी मैं भगवान जैसा मानता हूँ, इसलिए कार्यकर्ताओं से भी भेंट करूँगा, विभाग के लोगों के साथ भी मथुरा के विकास को लेकर कुछ चर्चा होगी और बाकी डिटेल आपको बाद में बताई जाएगी। मंदिर को लेकर जिस तरीके काफी लंबे समय से पत्थर तराशा जा रहा था और वो मंदिर काट शिवनगर में रखा हुआ, उसमें जंग लग रही है, काई लग रही है, क्या कहेंगे? देखेंगे,